रायपुर में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियां, यहां एक बड़ी लापरवाही दरअसल सामने आई। WRS कॉलोनी में रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर पूरी तैयारियां अंतिम चरण पर हैं, लेकिन दशहरा समिति और प्रशासन ने महज रेलवे ट्रैक से कुछ मीटर दूरी पर रावण दहन का कार्यक्रम रखा है, जिससे रावण दहन के समय कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और पिछले अगर बात की जाए रावण दहन की, तो अमृतसर में जिस तरीके से हादसा पेश आया था वो भी रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नजदीक पेश आया था। अमृतसर में हुए घटना के बाद आप देख सकते हैं कि ये रेलवे पटरी के पास हम खड़े हैं, ट्रेनें जा रही हैं, लेकिन ये ट्रेन जा तो रही है, लेकिन कल जो दशहरा होगा उसके देख सकते हैं, महज रेलवे ट्रैक से कुछ मीटर दूरी पर ये दशहरा समिति ने पुतला दहन का आयोजन रखा हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि रेलवे प्रशासन और जो दशहरा समिति है वो दोनों ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि लोग अगर यहाँ आएँ तो उनको जो है सुरक्षा मिल सके। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ श्री प्रकाश तिवारी, R9 TV। रावण दहन कार्यक्रम को लेकर की गई लापरवाही को लेकर वहां के विधायक कुलदीप जुनेजा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता श्री प्रकाश तिवारी ने। इस क्षेत्र के विधायक कुलदीप जुनेजा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की तैयारियां हैं और कितने लोगों के आने की संभावना है। पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन यहां पर होता है, कम से कम 3 से 4 लाख लोग यहां पर आते हैं। सबसे बड़ी तैयारी हमारी, सबसे पहले चिंता थी हमारे को रेलवे ट्रैक की, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना अमृतसर में हुई थी जिसमें कम से कम बहुत सारे लोगों की जान गई थी, बड़ा दुखद घटना थी। उसको लेकर रेलवे भी चिंतित था, प्रशासन भी चिंतित था, पर रेलवे ने बहुत सहयोग किया। रेलवे पटरी के बाजू में उन्होंने बाउंड्री वाल का काम शुरू कर दिया, बाउंड्री वाल है, और हम लोगों के शासन की तरफ से भी वहां पर पूरा बैरिकेड लग रहा है, दोनों तरफ बैरिकेड लग के रेलवे पटरी को बंद कर रहे हैं। बैरिकेड में जाली लगेगी, कोई व्यक्ति इधर से उधर ना जा सके। जायक जी, उस तरफ से भी लोग यहाँ आते हैं तो कैसा नहीं होता कि घूम के आएंगे, लेकिन वो रिस्की काम है, इसीलिए बैरिकेडिंग करके बंद कर रहे हैं रेलवे पटरी को। रेलवे पटरी से कोई नहीं आया, रास्ते 2-3 रास्ते हैं आने के लिए, कोई एक रास्ता नहीं है। उधर मेन गेट है, पीछे से गेट है, कहीं से भी आ सकती है पब्लिक। और हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा रावण, 101 फुट का रावण यहाँ पर बना है, 85 फुट का मेघनाथ है, 85 फुट के कुंभकर्ण है, और भव्य तैयारियाँ और जो आतिशबाजी की भी तैयारियाँ बहुत है। और एक और अच्छी बात है हमारी इस बार कि हमने बाहर से किसी कलाकार को नहीं बुलाया, जो भी लोग हैं यहाँ के लोकल लोगों को ही हमने यहाँ पर काम दिया है। एक हमारी बच्ची है स्वर्या पंडित है रायपुर की, जो आज बॉम्बे में बहुत नाम हमारे प्रदेश का कमाई है, उसको बुलाए हैं। एक सपना रायपुर की बिटिया जिसको आज वो भी बॉम्बे में है, उसको हमने यहाँ पर बुलाया है। तो ये हमारी बेटियाँ जो आज शहर रायपुर से जाके बाहर प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। हमारा मेन ये था कि हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कि रायपुर के छत्तीसगढ़ के लोग रहें, और हमारे यहाँ के जो मेन जो हमेशा शुरू से बनाते आ रहे हैं रावण का पूरा इनका निर्माण करते हैं लुम्बा जी, 50 साल से यहाँ पर उनको बनाने में पूरा लुम्बा जी और उनके साथी नेशनल क्लब वाले पूरे लोग, उनकी टीम है एक तो जो इसका पूरे बनाते हैं, काम करते हैं। लोकल लोग यहाँ के, हमारे यहाँ के पार्षद, हमारे सब जितने टीम भाई संजू, सब लोग यहाँ पर लगे हैं 15-20 दिन से, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया काम अच्छा हो रहा है। तो पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी दशहरे की धूम देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में 101 फीट दशानन रावण का पुतला बनाया गया, पूरी तैयारी अंतिम चरण पर है। इसको लेकर हमारे संवाददाता श्री प्रकाश तिवारी ने रावण दहन के आयोजकों, रावण का पुतला बनाने वाले कारीगरों से खास बातचीत की। रावण का पुतला बनाने के लिए मुंबई कोलकाता से कारीगर बुलाए गए और इस पुतले को 100 लोगों ने मिलकर बनाया है। पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी दशहरा की धूम देखी जा सकती है। इस समय हम WRS कॉलोनी में हैं। हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि रावण का ये पुतला बनाया जा रहा है, पूरी तरह से कारीगर यहां पर लगे हुए हैं और लगातार बना रहे हैं। वैसे ये 101 फुट का पुतला दहन किया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। इस क्षेत्र के जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। तैयारियाँ तो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, और मैं राधेश श्याम विभार दशहरा उत्सव समिति का सचिव और इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ। आप प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जो दशहरा हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे बंगाल के लोगों को ला के, पूरे जो कारीगर है बंगाल के लोग हैं,
आतिशबाजी का जो आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत ही विशाल मतलब देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के लोग हैं ये आतिशबाजी में, जो बॉम्बे से आते थे महमूद भाई, उनके जो टीम है वो टीम ये हमारे पास यहाँ पे काम कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि मनोरंजन के भी सारी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण जो होता है कि जो इस पुतले का निर्माण कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, हमारे साथ लुम्बा जी हैं। लुम्बा जी बताइए, इस बार क्या खास है कुछ? ये हर साल इनका रूप अदब बंद किया जाता है, मगर इस समय इनका रजत जयंती समारोह मना रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसका भव्य रूप दिया है। राजे महाराजों का श्रृंगार और एकदम साक्षात रूप से दर्शन होंगे अपने दशानंद महाराज के, पूरे पूर्ण दर्शन होंगे और सज धज के तैयार होंगे, और इसमें आतिशबाजी इतनी अच्छी सुनागे कि माँ आप देखने लायक होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि इसको बनाने में कितना खर्चा आता है? हालांकि आप बहुत सालों से इसको बना रहे हैं, क्या खर्चा आता है? देखिए, पहले हम लोग चंदा करके बनाते रहे जी, फिर 15-20 साल हम लोगों ने बनाए, फिर हमारे तरुण चटर्जी आए और बहुत से विधायक आए, सबों ने बनवाया। जितने विधायक आते हैं या शासन प्रशासन के जो लोग रहते हैं उनकी तरफ से मदद होती है? बस उनकी व्यवस्था ही रहती है, बाकी जितना इंतजाम है उनकी तरफ से, दान में या जिस तरह भी करें। राजेश मुणत ने 15 साल किया। ये मूर्ति बनाने में आप लोगों ने कितने कलाकार लगे, कितने कलाकार की जरूरत पड़ी इसमें? इसमें मुख्य रूप से हम लोग 15 हैं जो कलाकारी करते हैं, और बाकी जो हमारे सहयोगी होते हैं, जो अभी क्षेत्रीय होते हैं, वो हमारे 100 करीब आदमी होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस पूरी मूर्ति को बनाने में लगभग 100 लोगों की जरूरत पड़ी, और इसको भव्य मूर्ति तैयार किया गया। WRS कॉलोनी का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रामायण मनाया जाता है, और ये काफ़ी धूमधाम से यहाँ लोग आते हैं और लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ श्री प्रकाश तिवारी, R9 TV।